ये अभी तक लगभग 5,000 वाहनों का चालान किया जा चुका है, और अगर हम कंपाउंडिंग जुर्माने की बात करें तो 1,08,00,000 रुपए का इसमें जुर्माना वसूला गया है। अगर हम FIR की बात करें तो अभी तक लॉकडाउन के उल्लंघन के संबंध में 2,020 FIR हो चुकी हैं और 8,780 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। कुल 1,440 जमात वाले और उनके संपर्क वालों के सैंपल लिए गए थे, और उसमें अभी 259 की रिपोर्ट आना बाकी है। 259 में से 207 सिर्फ हरिद्वार के हैं। तो ये कुछ जो स्थिति है वो पिक्चर जो है एक दो दिन में और साफ हो जाएगी, तस्वीर तो और क्लैरिटी हो जाएगी। हमारे यहाँ के सुरक्षा बल थे, हमने शुरू से ही उनकी ट्रेनिंग करा दी थी। हेल्थ विभाग के नियम के हिसाब से SDRF को ऑथोराइज किया था, फिर SDRF ने सभी जिलों जाकर के ट्रेनिंग कराई, PAC में बटालियन में जाके करवाई, सिविल पुलिस AP के कर्मचारियों की सबकी कराई, और सब लोगों को अच्छे से ट्रेन किया गया, सबको इक्विपमेंट दिया गया है जितनी उनको आवश्यकता है, और अगर ज़रूरत पड़ी है जैसे बहुत क्लोज जो पॉजिटिव पाए गए उनके कॉन्टैक्ट में जहाँ पुलिस आई है, जैसे सबसे पहले उधम सिंह नगर में आई थी, रेलवे पटरी से पकड़ा था, तो उनको समय से क्वारंटाइन कर दिया गया। तो लकीली अभी तक हमारे यहाँ कोई पुलिस कर्मी अभी तक जो है संक्रमित नहीं हुआ है। 80 से अधिक लोग क्वारंटाइन किए गए थे, जिसमें से 40 से अधिक वापस आ चुके हैं, जो वापस ड्यूटी कर रहे हैं, बाकियों का समय अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद करने लगे। बहुत से नेपाली पिथौरागढ़ जनपद में रुका हुआ है, 1,500 के करीब है उसकी संख्या, और 4-5 जगह उनको रिलीफ कैंप्स में रखा गया है। बहुत लंबे समय से वो हैं और उनको रखा जा रहा है, उनमें थोड़ा एजिटेशन है, थोड़ा वो वापस जाना चाहते हैं, नेपाल सरकार ने उसको खोला नहीं, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हम अपनी ओर से बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरह उनमें अशांति न फैले और उनको हम प्रॉपरली जो रिलीफ सेंटर है वहीं पर रखे रह सके। फिर भी एक आध आदमी होता है जो इस तरह के डेयर करता है, तो इतना लंबा बॉर्डर है तो कई बार मुश्किल हो जाता है देखना।